So dear students, here you can see the choosing of electrodes and preparing them for use. A three electrode setup was used, including glassy carbon working electrode, glassy carbon counter electrode, and silver chloride or silver ion pseudo reference electrode. मीन इसमें हम मतलब तीन इलेक्ट्रोड लेते हैं. एक मेन हमारा वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है जिस पे हम अपना मटेरियल डिपॉजिट करते हैं, ठीक हो गया. और दूसरा इसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसके जरिए हम उसकी पोटेंशियल का मेजर करते हैं. और तीसरा इसमें काउंटर इलेक्ट्रोड होता है जो कि करंट के मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है. तो ये तीन इलेक्ट्रोड हम इसमें लेते हैं. तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें वर्किंग इलेक्ट्रोड वो किस किस्म का होना चाहिए, काउंटर इलेक्ट्रोड कैसा होना चाहिए और रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैसा होना चाहिए. So this setup is typically for common chemical experiment, including cyclic voltammetry. Three electrodes represents. तो कहते हैं कि इसमें हम यानी cyclic voltammetry हो गया या कोई और आया तो उसमें तीन setup, three electrode setup usually हम use करते हैं. Working electrode, counter electrode and reference electrode respectively. मतलब ये तीनों इसी उसमें अंदाज में पड़े होते हैं कि सबसे पहले आपके पास working electrode होगा, उसके साथ आपका काउंटर इलेक्ट्रोड होगा और नेक्स्ट आपके पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा. व्हाइल द करंट फ्लोज बिटवीन द वर्किंग एंड द काउंटर इलेक्ट्रोड, इसमें जो करंट होगा वो काउंटर और वर्किंग इलेक्ट्रोड के दरमियान होता है. द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज यूज्ड टू एक्यूरेटली अप्लाई द रिलेटिव टू अ स्टेबल डिफरेंस रिएक्शन. और जबकि रेफरेंस और जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है वो इसकी पोटेंशियल की मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं. सबसे पहले हमारा जो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट है वो वर्किंग इलेक्ट्रोड है. कि वर्किंग इलेक्ट्रोड क्या होता है, क्या काम होता है उसका. तो वर्किंग इलेक्ट्रोड, द वर्किंग इलेक्ट्रोड कैरीज आउट द इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट ऑफ इंटरेस्ट. मीन के जो आपका साइक्लिक वोल्टमीटर है उसमें आपका मेन कंपोनेंट ये वर्किंग इलेक्ट्रोड है. इसी वर्किंग इलेक्ट्रोड पे आपने अपना मटेरियल डिपॉजिट करवाना है और उसी की से रिलेटेड आपने उसकी पोटेंशियल पे मेजर करनी है, उसका करंट भी मेजर करना है. तो अ पोटेंशियल स्टेट इज यूज्ड टू कंट्रोल द अप्लाइड पोटेंशियल. इसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको पोटेंशियल स्टेट कहते हैं. तो उसके जरिए हम जो उसकी पोटेंशियल हम यूज कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है. ऑफ द वर्किंग इलेक्ट्रोड एज अ फंक्शन ऑफ द रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से के को उसके जरिए हम इसकी जो है वो पोटेंशियल को कंट्रोल करते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वर्किंग इलेक्ट्रोड इज दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ रेडॉक्स इनर्ट मटेरियल इन द पोटेंशियल रेंज ऑफ इंटरेस्ट. तो इसमें जो अहम बात वो मतलब बताई गई है कि इसमें जो हमारे पास जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है वो उस मटेरियल पर मुश्तमिल हो जिसमें ऑक्सीडेशन की एबिलिटी भी हो और रिडक्शन की एबिलिटी भी हो. तो ये दोनों उस पोटेंशियल रेंज के अंदर वो दोनों काम कर रहा हो, उसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, उसकी रिडक्शन भी हो रही हो. तो उस मटेरियल को हम इस पर वर्किंग इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट करवाते हैं. द टाइप ऑफ वर्किंग इलेक्ट्रोड कैन बी वेरीड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट. तो हमारे पास जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है वो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में वेरी होते रहते हैं. मतलब कहीं पर आप प्लाटिनियम यूज कर लेते हैं, कहीं पर मरकरी इलेक्ट्रोड यूज कर लेते हैं. तो ये मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रोड हैं जो कि हम इसमें मुख्तलिफ यूज करते हैं. टू प्रोवाइड डिफरेंट पोटेंशियल विंडो आर टू रिड्यूस आर प्रमोट सरफेस एडजस्टमेंट ऑफ द स्पीशीज ऑफ इंटरेस्ट. तो ये हमारे पास जो है ये थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा जैसे कि हमारे पास जो कौन कौन से वर्किंग इलेक्ट्रोड हैं जो यूज़ हो रहे हैं और कौन कौन से रेफरेंसेस इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहे हैं और कौन कौन से जो हमारे पास वो काउंटर इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहे हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसका है रेफरेंस इलेक्ट्रोड. रेफरेंस इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैज अ वेल डिफाइंड एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल. तो हमारे पास जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो यूजली एक वेल डिफाइंड होता है और उसमें वो उसका जो अपना पोटेंशियल होता है वो एक स्टेबल उसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है. इट इज़ यूज्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट अगेंस्ट विच द पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड कैन बी मेजर्ड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इसको एज हम रेफरेंस यूज करते हैं इसके जरिए वर्किंग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर किया जाता है. द अप्लाइड पोटेंशियल इज दस टिपिकली रिपोर्टेड एज वी एस. तो इसमें जो हमारा अप्लाइड पोटेंशियल जो हम अप्लाई करते हैं उसको वी एस के रिपोर्ट किया जाता है. वी एस
उसका सिंबल है स्पेसिफिक जो है ओरिजिनल है स्पेसिफिक रेफरेंस. देर आर फ्यू कॉमनली यूज्ड एंड यूजली कमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रोड असेंबल दैट हैव एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल. तो उसमें यूजली कौन से हम यूज करते हैं वो उसमें बताए गए हैं. सम कॉमन रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द एक्वस मीडिया इंक्लूड द सैचुरेटेड गैलोमेल इलेक्ट्रोड SCE, इसको यूज किया जाता है. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको शी बोलते हैं उसको भी यूज किया जा सकता है. और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड को भी एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया जा सकता है. दीज रेफरेंस इलेक्ट्रोड आर जनरली सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय पोरस फिल्म. तो ये एक मटेरियल है जिस मतलब एक पोरस मटेरियल के जरिए इन दोनों को आयंस की माइग्रेशन के लिए इन दोनों को एक दूसरे से अलग रखा जाता है रेफरेंस को और वर्किंग. नेक्स्ट हमारे पास इसका काउंटर इलेक्ट्रोड है. तो काउंटर इलेक्ट्रोड उसका क्या फंक्शन है कि व्हेन अ पोटेंशियल इज अप्लाइड, जब हम उस पे अप्लाई करते हैं टू द वर्किंग इलेक्ट्रोड सच दैट अ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो उस पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का अमल होता है. ऑफ दैट एंड लाइट कैन अकर करंट बिगिंस टू फ्लो. तो जैसे ही उस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन का इखराज हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से करंट पैदा होगा. तो वो करंट जो पैदा होता है वो इसके जरिए मेजर कर लेते हैं. द पर्पज ऑफ द काउंटर इलेक्ट्रोड इज टू कम्प्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट को मुकम्मल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं कि वो वर्किंग इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वो इधर इसमें काउंटर इलेक्ट्रोड के पास आएगा जहाँ पे रिडक्शन का मान हो. काउंटर इज रिकॉर्डेड एज इलेक्ट्रॉन फ्लो बिटवीन वर्किंग इलेक्ट्रोड एंड काउंटर इलेक्ट्रोड. तो करंट जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, किस वजह से वो करंट चला इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन का इनके दरमियान चला वर्किंग इलेक्ट्रोड काउंटर इलेक्ट्रोड के. टू इंश्योर दैट काइनेटिक्स द काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन अकरिंग एट द काउंटर इलेक्ट्रोड डू नॉट इनहिबिट दोस अकरिंग एट द वर्किंग इलेक्ट्रोड. तो जो वर्किंग इलेक्ट्रोड का फिनोमेना है वो इस पर इंटरफेयर नहीं करता. द सर्फेस एरिया ऑफ द काउंटर इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन द सर्फेस एरिया ऑफ द वर्किंग इलेक्ट्रोड. जिसमें एक अहम बात ये बताई गई है कि इसमें जो हम जो सर्फेस एरिया है काउंटर इलेक्ट्रोड का वो ज़्यादा रखा जाता है एज कम्पेयर टू द वर्किंग इलेक्ट्रोड. अ प्लाटीनियम वायर आर अ डिस्क इज टिपिकली यूज एज अ काउंटर इलेक्ट्रोड. प्लाटीनियम की वायर को भी यूज़ कर सकते हैं या कोई और मटेरियल को भी यूज कर सकते हैं. दो कार्बन बेस्ड काउंटर इलेक्ट्रोड आर आल्सो अवेलेबल. तो कार्बन बेस्ड भी इलेक्ट्रोड को हम इसमें यूज कर सकते हैं. तो ये मैं एक आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ कि कैसे ये तीनों को हम यूज़ करते हैं. ये देख सकते हैं आप इस फिगर के अंदर कि सबसे पहले हमारे पास ऊपर तीन इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं. ये तीनों इसमें से एक रेफरेंस है, एक काउंटर है और एक वर्किंग इलेक्ट्रोड है. और उनके सामने ही बिल्कुल इलेक्ट्रोड कनेक्शन जो है, अच्छा इसमें ये तीनों इलेक्ट्रोड लगा कर इनको फिर उस पोटेंशियल स्टेट के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है ना. तो तीनों के ऊपर जो लाइन लगी हुई है इन्हीं से यहाँ पर हम इन कनेक्शन को पोटेंशियल स्टेट के साथ जोड़ते हैं, ये इसकी मेजरमेंट करते हैं करंट की भी और पोटेंशियल की भी. अच्छा इनके सामने आपको दो सुराख नजर आ रहे हैं, दो होल नजर आ रहे हैं. ये होल किस लिए होते हैं? फॉर डिगैसिंग और रिएजेंट एडिशन. या आपने कोई रिएजेंट ऐड करना है तो वो भी यहाँ कर सकते हैं या डिगैसिंग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की एवेल्यूशन करवानी है या इनर्ट गैस को इसके अंदर ले आना है, जैसे नाइट्रोजन हो गई या कोई और इनर्ट गैस इसमें आर्गन वगैरह लेके आनी है, तो उन इनर्ट गैसेस को ले आने के लिए या यहाँ से कोई चीज़ बाहर निकालनी है, कोई गैस वगैरह बन रही है तो उसको बाहर निकालने के लिए भी इन होल्स को यूज़ किया जाता है. इसके ऊपर एक टेफ्लॉन का कैप लगा हुआ है जो इसकी प्रोडक्शन के लिए. उसके बाद लास्ट सॉल्यूशन रिजर्वायर जिसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट वगैरह रखा जाता है. उसके बाद आप इसके नीचे देख सकते हैं इसमें जो सबसे पहले वाला है नंबर वन जिस पे वर्किंग इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, तो ये वर्किंग इलेक्ट्रोड है. इसके सेंटर में यानी दरमियान में, ये एक साइड पे वैसे होता है, सेंटर में तो नहीं कह सकते हम, ये इसके बिल्कुल फ्रंट सामने होता है मिडल के अंदर, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है ना. और इसके एक जानब जो है लास्ट में ये काउंटर इलेक्ट्रोड होता है. तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड दोनों के साथ यानी वर्किंग इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ से हम पोटेंशियल मेजर करते हैं, जबकि वर्किंग इलेक्ट्रोड और काउंटर इलेक्ट्रोड इन दोनों के दरमियान जो है हम करंट की मेजरमेंट करते हैं. तो ये इसका जो था वो सेटअप है कि कैसे ये तीनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है. तो ये उसका सेटअप था. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें हम जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं या वो क्यों ज़रूरी है, क्या फंक्शन है उसका.
तो एज इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वर्किंग इलेक्ट्रोड से, एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अक्कर ड्यूरिंग अ सीबी एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन वाया माइग्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को बरकरार रखने के लिए आयंस की माइग्रेशन जरूरी है। सो एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द इलेक्ट्रोड टू द एनालाइट, जैसे इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एनालाइट की तरफ, आयंस मूव्स इन द सॉल्यूशन टू कंपनसेट दैट चार्ज। तो इस चार्ज को मेंटेन करने के लिए उसमें आयंस की माइग्रेशन होगी, आयंस की मूवमेंट होगी। एंड क्लोज द इलेक्ट्रिकल सर्किट, असॉल्ट कॉल्ड सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। इसमें हम जो यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट उसको सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, तो एक सॉल्ट पर मुश्तमिल होता है। इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट टू हेल्प डिक्रीज द सॉल्यूशन रेजिस्टेंस, तो सॉल्यूशन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को बरकरार रखने के लिए इसमें इलेक्ट्रोलाइट को यूज किया जाता है, और उस इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहा जाता है, सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। द मैक्सिमम The mixture of the solvent and supporting electrolyte is commonly termed as electrolyte solution. तो उसमें supporting electrolyte और solvent का जो solution है उसको हम क्या कहते हैं, electrolyte solution कहते हैं। तो supporting electrolyte जो हम use करते हैं उसकी क्या क्या feature होने चाहिए, क्या क्या characteristics होने चाहिए वो आपको शो हो रहे हैं। A good supporting electrolyte has three characteristics, जो उसमें हमारे पास supporting electrolyte है उसमें तीन चीज़ें होनी चाहिए। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट, जो हम इसमें सॉल्वेंट हम यूज करेंगे वो वाटर हो सकता है, वो DMF हो सकता है, वो DHF हो सकता है, ठीक है, तो उसमें वो सॉल्युबल होते हैं। इट इज केमिकली एंड इलेक्ट्रोकेमिकली इनर्ट इन द कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो वो जो हमारा स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है वो उसको रिएक्ट नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रोड के साथ, क्योंकि किसी इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट कर ले उसको इनर्ट होना चाहिए। और लास्ट वन जो है उसकी, इट कैन बी प्योरीफाइड, उसको प्योरीफाई भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लार्ज सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन आर नेसेसरी टू इंक्रीज सॉल्यूशन कंडक्टिविटी, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या उसकी रेजिस्टिविटी जो है उसको कम करने के लिए हमें ज़्यादा मिकदार में इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है। एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अक्कर एज द इलेक्ट्रोड्स द सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट विल माइग्रेट टू बैलेंस द चार्ज एंड कम्प्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यहाँ से एक बात वाजी होती है कि सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होता है इलेक्ट्रोड से तो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, वो आयंस की माइग्रेशन करवा कर उस चार्ज को न्यूट्रल रखता है और इलेक्ट्रिकल सर्किट को कम्प्लीट करता है। तो क्या वजह है कि हम इसको यूज करते हैं, तो वो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जिसमें इनर्ट आयंस आर एडेड टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सॉल्यूशन इन मोलर एक्सेस टू डायनोलाइट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनफ आयन एक्सटेंट टू द सॉल्यूशन फॉर इट ओबिट द नर्नस्ट इक्वेशन, ताकि ये नर्नस्ट इक्वेशन, देखिए आप का जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन हो रहा है प्रोसेस, तो वो उसमें उनकी जो कंसंट्रेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वो इक्वल होनी चाहिए, तो उस आयन एक्सटेंट को बरकरार रखने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन निकला है उस इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को, उस इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी उसको मेंटेन रखने के लिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए हमें स्पोर्टिंग इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है। द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज द थिकनेस ऑफ डिफ्यूज डबल लेयर सो दैट अप्लाइड पोटेंशियल डिक्रीजेज टू द नेगलिजिबल लेवल विद इन नैनोमीटर्स of the working electrode surface. The result is that current response at the electrode surface is well defined. तो इसमें हमें supporting electrolyte, जैसे कि इसमें भी बताया गया है supporting electrolyte जो है वो electro neutrality को बरकरार रखने के लिए, electrical surface को मुकम्मल करने के लिए supporting electrolyte की जरूरत होती है। Next हमारा topic जो है कि हमें क्यों inert atmosphere, इसमें एक inert atmosphere की जरूरत होती है। उसकी वजह ये है कि इसमें इन एडिशन टू हैविंग होल्स ऑफ ईच इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोकेमिकली ग्लास वेयर टिपिकली हैज अ गैस इनटेक टू अलाउ फॉर इनर्ट गैस टू द बबल थ्रू द सॉल्यूशन टू रिमूव इट्स ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डीगेसिंग। तो इसमें यूजली क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो इंटरप्ट करती है साइक्लिक वोल्टमेट्री के अंदर, तो उस ऑक्सीजन की इंटरप्शन की कंटेमिनेशन से बचाने के लिए, ठीक है,
इसमें कोई इनर्ट गैस जो है वो ब्लो की जाती है, वो इसके अंदर दाखिल की जाती है, वो जो दूसरा आपको पहले बताया दो होल बताए गए हैं तो उनके जरिए इसके अंदर बबल की जाती है, इसके अंदर डाली जाती है नाइट्रोजन या आर्गन को, ताकि ऑक्सीजन जो है वो उसको बाहर निकाला जा सके। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीगैसिंग कहते हैं, डीगैसिंग कहते हैं। तो डीगैसिंग जो है ये इसमें ज़रूरी है इनर्ट एटमॉस्फेयर पैदा करने के लिए। उसकी क्या रीज़न है, उसकी रीज़न वही है कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेशन में हेल्प करती है, ठीक है ना। तो उस ऑक्सीडेशन की उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा पीक आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से इस इनर्ट एटमॉस्फेयर का होना जरूरी है। तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सपेरिमेंट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैन आल्सो अल्टर द इलेक्ट्रोकेमिकल रिस्पॉन्स ऑफ एनाइड। तो ऑक्सीजन की जो मौजूदगी है उस इलेक्ट्रोकेमिकल रिस्पॉन्स में चेंजिंग कर सकती है। However, if this experiment is performed with the solution prepared as described above, तो जैसे मतलब अगर इस solution को हम अब इस solution जो भी हमने solution checking के लिए बनाना है तो उसको inert atmosphere बनाना है। अगर आप उसको oxygen वाली atmosphere बनाएंगे तो oxygen उसमें absorb हो जाएगी और oxygen oxidation की वजह बनेगी और इस वजह से हमें extra peak मिल जाएगी। तो one would instead see the unexpected peak, तो उसमें कोई unexpected peak से बचने के लिए उसको क्या करना चाहिए, उसको जो हमारा सॉल्यूशन बनाना है तो इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए। एज द पोटेंशियल स्केन कैथोडिकली इन रिवर्स स्केन एंड अदर पीक इमर्ज दैट सीम रिलेटेड टू द फर्स्ट पीक। तो हम ये अभी ग्राफ आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है वो ऑक्सीजन इंटरफेयर करती है इस प्रोसेस के अंदर। व्हाई आर दीस पीक्स ऑब्जर्व इन द एब्सेंस ऑफ एनी लाइट, तो अगर एनलाइट हमने डाला नहीं है तो क्या किस वजह से पीक्स आ रही हैं। द आंसर लाइज इन द फैक्ट दैट द सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड इन ओपन एटमॉस्फेयर। एक्स्ट्रा पीक किस वजह से आई है कि उस ओपन एटमॉस्फेयर में हमारा जो एनलाइट का सॉल्यूशन बनाया गया है और ऑक्सीजन उसमें इंटरेक्शन की है। व्हाइल नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोकेमिकली इनर्ट विद इन दिस विंडो ऑक्सीजन इज नॉट, सो ऑक्सीजन अंडरगोज अ रिवर्सिबल वन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन टू फॉर्म ऑक्सीजन रेडिकल एनायन, इसको सुपरऑक्साइड आयन भी बोलते हैं। तो उस वजह से इस इंटरप्शन की वजह से वो एक्स्ट्रा पीक आ रही होती है। तो टू अवॉइड इंटरफेरेंस फ्रॉम डिसॉल्व्ड ओ2 ऑल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस शुड बी सप्लाइड विद एन इनर्ट गैस। एक इनर्ट गैस के जरिए ऑक्सीजन को सबसे पहले हम उस जो हमारा सेल बना हुआ है उसे निकालेंगे, उसके बाद हम उसको उसकी परफॉर्मेंस करेंगे। बिफोर मेजरमेंट आर टेकन वंस ऑल ओ2 इज, जब उसमें सारी चीजें रिमूव हो जाएगी द टेफ्लोन ट्यूबिंग यूज्ड फॉर स्पर्जिंग इज प्लेस्ड अबव द सरफेस, तो उसके बाद आप टेफ्लोन ट्यूब उसके ऊपर रख के उसको बंद कर देंगे ताकि उसमें ऑक्सीजन ना आ सके। टू कंटिन्यू द फ्लैशिंग दैट स्पेस व्हाइल इनर्ट perturbing the solution in the cell. Another option, एक दूसरा option है वो क्या है, is to feed electrode cables. तो इसके अंदर वो कहता है कि electrode cables डाल दी जाएं into an inert atmospheric glove box and run electrochemical experiment using previously deoxygenated solvent. तो इस तमाम experiments इसमें में जो है वो क्या करना चाहिए कि हमारा जो मटेरियल है उसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए ये सारा काम करना, इनर्ट एटमॉस्फेयर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी एग्जांपल है, लेकिन इस एग्जांपल से पहले हम ये देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं उसने डेमोग्राफ्स में दिखाया हुआ है, इसके अंदर आर्टिकल आपको भेज दिया जाएगा। अच्छा ये आप देखिए, इसमें सबसे पहले जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है तो ये इनर्ट एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल स्ट्रेट, इसमें हम कोई एनालाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर ये वाला बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, जो उसके नीचे वाला ग्राफ आपको नजर आ रहा है जो कि रेड रेस में है, तो ये इसमें आपको दो पीक्स नजर आ रही है, लेकिन ये कौन सा एटमॉस्फेयर है, ये ऑक्सीजन वाले एटमॉस्फेयर, यानी ये ऑक्सीजन वाले एटमॉस्फेयर की वजह से एनालाइट भी नहीं है लेकिन फिर भी दो पीक्स आ रही है, किस वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। उसके बाद थर्ड और फोर्थ जो है, थर्ड जो है वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की वजह से इनर्ट एटमॉस्फेयर की हमारे पास एनालाइट आ गया है, तो एनालाइट की वजह से ये दो पीक्स आई है। जबकि जो फोर्थ वन जो लास्ट वाला है उसमें ये वही सारा मटीरियल एनालाइट है लेकिन इसमें ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर की वजह से इस तरह का बिहेवियर आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना फर्क है ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में और नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में। तो फर्स्ट जो पहला ब्लू है वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, जो सेकंड है वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है, लेकिन इन दोनों में एनालाइट नहीं है। जबकि थर्ड और फोर्थ जो है
सबसे एंड में पड़े हैं ग्रीन और दूसरा वाला। ग्रीन वाले में एनालाइट है लेकिन एटमॉस्फेयर जो है वो नाइट्रोजन का है, जबकि फोर्थ वाला जो है ये आप देख सकते हैं ये इसमें ये उसको आपको बताया गया है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में एक एनालाइट है एक एनालाइट नहीं है, उसको दिखाया गया। ये आप देख सकते हैं कि कितना फर्क है इसके उसमें के एटमॉस्फेयर का। तो लास्ट में हम इसकी जो है वो एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे जो है हमारे पास साइक्लिक वोल्टामेट्री का ग्राफ कैसे आ रहा है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल जो दी गई है वो फेरोसिन की दी गई है, फेरोसिन जिसको एफ सी से तैयार किया गया, ये आप ऊपर भी एग्जांपल आई है। तो फेरोसिन इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंटरनल स्टैंडर्ड फॉर साइक्लिक वोल्टामेट्री। इसमें होता क्या है कि फर्स्ट अ पॉजिटिवली स्वीप रैंपिंग पोटेंशियल, इसमें एक फॉरवर्ड स्वीप आता है जब हम इसको शुरू करते हैं, इसको फॉरवर्ड स्वीप भी बोलते हैं, तो वो एक लिमिट तक जाता है। इज अप्लाइड बिटवीन द वर्किंग एंड द रेम्स इलेक्ट्रोड एज द पोटेंशियल जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करता है, एफ सी जो फेरोसिन के जो मॉलिक्यूल होते हैं एनालाइट जिसको एनालाइट बोलते हैं, वो वर्किंग इलेक्ट्रोड के जो करीब होते हैं वो ऑक्सीडाइज होने शुरू हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू कर देते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं, एफ सी पॉजिटिव आयन। ठीक हो गया, तो ये एनोडिक पी के तौर पर आपके पास जहर होगा तो एनोडिक पी आ जाएगी। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट एन इलेक्ट्रिक करंट, तो जैसे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से क्या होगा उसमें करंट पैदा होगा, जो हम काउंटर इलेक्ट्रोड से और वर्किंग इलेक्ट्रोड से मेजर कर सकेंगे। तो इसमें क्या होगा एज अनरिएक्टेड एफ सी डिफ्यूजेस टू द इलेक्ट्रोड, तो जो अब क्या होगा जैसे जैसे एफ सी जो है वो डिफ्यूज होती जाएगी वर्किंग इलेक्ट्रोड पर और वहां से वो ऑक्सीडेशन उसकी होती रहेगी एंड कंटिन्यूसली ऑक्सीडेशन प्रोसेस द इलेक्ट्रिकल करंट इज इंक्रीज। तो जैसे जैसे डिफ्यूजन इंक्रीज होगी इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो भी इंक्रीज होगा और हमारे पास एक पीक आना शुरू हो जाएगी जिसको एनोडिक पीक भी बोलते हैं। एंड देयर इज अ बिल्ड अप एफ सी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो उस इलेक्ट्रोड पर एफ सी पॉजिटिव आयन बनना शुरू हो जाएंगे। दिस बिल्ट अप रिएक्टिव मटेरियल इज कॉल्ड द डिफ्यूजन लेयर, इस तरह जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं डिफ्यूजन लेयर बोलते हैं। द इफेक्ट ऑफ द रेट एट विच अनरिएक्टिव मटेरियल कैन रीच थ्रू द इलेक्ट्रोड, तो एक लिमिट तक पहुंचने के बाद फिर ये क्या हो जाएगा कम होना शुरू हो जाएगा। वंस द डिफ्यूजन लेयर रीच अ सर्टेन साइज, जैसे एक सर्टेन साइज पर एक सर्टेन लिमिट पर पहुंचेगी उसके बाद ये डिफ्यूजन का मतलब होना शुरू हो गया कम होना शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से करंट भी कम होना शुरू हो जाएगा। द डिफ्यूजन ऑफ एफ सी एट इलेक्ट्रो स्लो डाउन रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन रेट एंड दस डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिकल करंट, सो उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कम होगा, जब ऑक्सीडेशन कम होगी तो इलेक्ट्रिकल करंट भी कम हो जाएगा। अब ये रिएक्शन रिवर्स होगा, ठीक है, अब क्या होगा, अब जो एफ सी पॉजिटिव आयन है उनकी रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू कर देंगे। वो कैसे, कि व्हेन द पोटेंशियल रैंप स्विचेस डायरेक्शन, जब वो रिवर्स होगा द प्रोसेस रिवर्सेस एंड रिवर्स स्वीप बिगिंस, एफ सी पॉजिटिव क्लोज टू द वर्किंग इलेक्ट्रोड, यानी वो एफ सी पॉजिटिव जो वर्किंग इलेक्ट्रोड करीब होंगे वो क्या करना शुरू, इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू कर देंगे, कन्वर्टिंग इट बैक टू एफ सी, तो एफ सी यानी पॉजिटिव आयन न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन, अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा क्रिएटिंग नेगेटिव करंट, जो अब जो करंट होगा वो किस बार वो नेगेटिव करंट होगा। द एफ सी अब उसी तरह वो डिफ्यूज होगा इलेक्ट्रोड पर और उनकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी रिजल्टिंग इंक्रीज इन नेगेटिव करंट। एज विद द फॉरवर्ड स्वीप अ बिल्ट अप मटेरियल अकर नियर द इलेक्ट्रोड इवेंचुअली स्लोइंग डाउन द, और इसी तरह फिर दोबारा जो है ये भी स्लो डाउन हो जाएगा और फिर वो करंट जो है नेगेटिव करंट वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आप इसमें ये देख सकते हैं ये साइक्लिकल डायग्राम है इसका, इसी फेरोसिन का। ये आपके पास नजर आ रहा है आपको, इस सबसे पहले जो है ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन की वजह से ये ऊपर वाली पीक जो इसमें आ रही है, तो ये ऑक्सीडेशन पीक है, ठीक है, उसके बाद एक खास लिमिट पर पहुंचने के बाद ये रुक जाती है, फिर ये वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो जब नीचे आना शुरू हुआ ये उसकी रिडक्शन पीक है, यानी इसमें
एफ सी पॉजिटिव आयन जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो उन्होंने गेन किया है, और गेन करने के बाद ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये इसमें करंट नेगेटिव होता है, जबकि ऊपर वाले को ये करंट पॉजिटिव होता है। ऊपर वाली जो पीक होती है उसको ऑक्सीडेशन पीक बोलते हैं, जबकि नीचे वाली पीक जो उसको रिडक्शन पीक बोलते हैं। रिडक्शन के बाद ये दोबारा उसी ओरिजिन की तरफ जो है वो चलना शुरू हो जाती है। तो ये आपका साइक्लिक वोल्टामीटर था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें किस किस चीज़ की, ये तो हमारा एक सिंपल साइक्लिक वोल्टामीटर होते हैं कि उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे उसमें ग्राम हमारे पास आता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका वर्किंग, इसका सॉरी इंटरप्रिटेशन, क्या हम इसको इसके जरिए क्या क्या चीज़ मुझे कर सकते हैं और किन किन एप्लीकेशन में इस साइक्लिक वोल्टामोग्राम को यूज किया जाता है। सो दिस इज़ our today lecture about the cyclic voltammetry.